Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देसिया। आइए रुख करते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के बॉर्डर खोलने को लेकर सरकार की मनमर्जी पर किसानों के रुख में तल्खी नजर आने लगी है। नवंबर 2020 से शुरू हुए आंदोलन का साल भर पूरा होने पर किसान अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने मांगी नहीं मानी तो किसान इस बार ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली को चारों तरफ से घेर देंगे। 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार रात 1 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। वे कई दिनों तक लापता रहने के बाद सोमवार सुबह 11:55 पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ऑफिस पहुंच गए थे। देशमुख को ईडी ने 5 बार पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन हर बार उनके वकील इंद्रपाल सिंह ही ईडी ऑफिस पहुंचे थे। उनकी दलील थी कि देशमुख 75 साल के हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वे पेश नहीं हो सकते। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान से मिली करारी हार के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया। कुछ यूजर्स ने शमी के धर्म पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार तक कह डाला। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ऐसे ट्रोलर्स पर जमकर बरसे थे और उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वे बिना ऋण के होते। हालांकि ट्रोलर्स को विराट की नाराजगी ठीक नहीं लगी और वे उनकी बच्ची को लेकर गालियां और असंवेदनशील टिप्पणी करने लगे, यहां तक कि रेप की धमकी भी देते रहे। उत्तर प्रदेश में जिन्ना पर जुबानी जंग तेज हो गई है। सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच तालिबानी है। योगी ने कहा, मैंने अखिलेश का भाषण सुना, वे राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना देश तोड़ने वाले जिन्ना से कर रहे थे, यह बेहद शर्मनाक है। अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से उनको कप्तानी के पद से हटाए जाने की चर्चा थी, लेकिन शुरुआत में BCCI इससे इनकार करता रहा, मगर अब कोहली ने खुद ऐलान कर दिया है कि वे T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। विराट की कप्तानी छोड़ने के बाद ओपनर रोहित शर्मा को टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बनाया जा सकता है। देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें टुडे 24 न्यूज। Audio Jungle.